नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आदरणीय श्री दिनेश जी, विभाग प्रचारक जी, आदरणीय श्रीमान प्रतोष जी और इस अभियान के अभियान प्रमुख श्रीमान शंकर जी, खंड के खंड कार्यवाह श्रीमान अजय जी, ग्राम प्रधान जी, आप सब सम्मानित जन यहाँ पर उपस्थित हैं। ये अभियान हम सबके संज्ञान में है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, आज भारत का नहीं पूरे विश्व का प्रत्येक व्यक्ति जानता है और उस संघर्ष से हम सब सुपरिचित हैं। मुझे लगता है कि सामने बैठे हुए लोगों में बहुत सारे लोगों ने उस अभियान में, उस आंदोलन में प्रतिभाग किया होगा और इस भाव से प्रतिभाग किया होगा कि एक दिन मेरे जीवन काल में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। और 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात आज वह दिन हम सब के समक्ष है। अगर उसे लगता है कि नहीं, भगवान राम के मंदिर के निर्माण में मेरा योगदान होना चाहिए, तो वो भी अपना समर्पण कर सके। उसका उदाहरण कल मैं देख रहा था, एक व्हाट्सएप पर आया था किसी स्थान पर, संभवतः मध्य प्रदेश। माला से संग वाले वैसे परहेज करते हैं। पर हम कराते हैं, अगर 100 लोगों का हम समर्पण कराएंगे, अपने किए हुए समर्पण से अधिक पुण्य हमको उस 100 लोगों को समर्पण कराने में प्राप्त होगा। आप सबसे यही आग्रह है कि अपने से संबंधित कोई भी राम भक्त छूट ना जाए जिसका समर्पण ना हो सके। राम काज इन्हें बिन मोहे कहां बिस। राम मंदिर निर्माण के लिए 51,000 का समर्पण हो रहा है और माता जी से सीधे खड़ी हो जाए, रस्सी लगे रस्सी से आइए बच्चा।